बहुत प्यारे लग रहे हैं ये फूल ना। आठ बज कर 28 मिनट का टाइम है और वो जुल्फ़िकार साहब सो रहे और ये दोनों मेरे बच्चे सो रहे और मैं यहाँ सोई थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? अस्सलामुअलैकुम। शाजिया ने पर्दा नहीं किया हुआ इसलिए मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ। और सुबह के क्या टाइम हो रहा है अभी, टाइम बताओ। सुबह के 8 बजकर यानी पूरे 9 हो रहे हैं और सुबह बखैर 9 बज रहे जी। सुबह बखैर, हम लोग उठ गए हैं। शाजिया ने उठते के साथ ही 8 बजे उठ गई थी, इसने अपनी एडिटिंग शुरू कर दी है क्योंकि नया व्लॉग आपको आज देना है जनाब। तो आज हमारा इरादा है इंशाल्लाह लाहौर के लिए निकलने का यहाँ से। बच्चे भी अभी अभी उठे हैं, बस जाएंगे वॉशरूम में, नहा धो के तैयार होंगे, कपड़े वपड़े बदलेंगे, जो भी करना है वो अपना करेंगे और आपको अपने साथ रखेंगे पूरा दिन। हम अभी लाहौर जाएंगे और हम वहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ जो है वो अम्मी से मिलना है, वहाँ पे मिलेंगे। मेरे भाई भी आए हुए हैं अटक से, उनकी फैमिली भी है, भाभी और उनकी बेटी है, तो उनसे भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और बहने वगैरह जो भी आए हुए होंगे, भाभी के घर भी जाना है जिनके घर गए थे लास्ट टाइम हम, जो भाई फोत हो चुके हैं, भाई मेरे फोत हो चुके हैं, जो रहती हैं भाभी उनके घर जाना है। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। शाजिया एडिटिंग कर रही है, वो एडिटिंग करती रहेगी और हम लोग नाश्ता करके आते हैं। कल मोटरवे से आए थे ना, तो शीशा तो मैंने साफ़ करवा लिया था, ये मच्छर वच्छर लग के मर जाते हैं। ये सामने बोनट का भी यही हाल है, देखें बोनट के हालात, देखें गाड़ी भी गंदी हो गई है। लाहौर जाके इसको इंशाल्लाह वॉश करवाएंगे। बैठ जाए, दोनों आगे बैठेंगे जी। नहीं बैठ तो सकते नहीं, इसने बैठना अब दोनों बड़े हो गए और दोनों का आगे ही बैठना है तो अब मसला तो है। चलो चले, असगर नाश्ता पॉइंट नज़र आ रहा है और लिखा हुआ तो इन्होंने बहुत कुछ है यहाँ पे, असगर नाश्ता पॉइंट। बच्चों की कैरम की गेम चल रही है, सुबह से होटल के कमरे से खेल लेते ये और अभी भी खेल रहे दोनों। नाश्ता आ गया जी हमारा, ये देखें ज़बरदस्त लग रहा है, बेहतरीन से पराठे सफ़ेद आटे के और साथ में है निहारी, वाह 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 वाह। और मोहम्मद के लिए अंडा बन रहा है, वो भी आने वाला है और ये लेमन है जो कि हम इसके ऊपर निचोड़ेंगे और सुबह निहारी पराठे का नाश्ता करेंगे। मोहम्मद के लिए अंडे भी आ गए, 2 eggs फेंट के फुल फ्राइड, अंडा और परांठा, समझ गए। गरम गरम चाय भी आ चुकी है, 3 पराठे पहले मंगवाए थे, 1 आध गरम पराठा और मंगवा लिया मैंने और चाय भी बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की। कैसी है अब्दुल्ला? मोहम्मद ने अभी चाय पी नहीं। अभी शाजिया के लिए भी पराठे जो है ना वो पैक करवा रहा हूँ, अंडे अंडा और पराठे और चाय। ये जाइए अभी सामान निकाल रहे और वो भाई जा रहे नाश्ता लेके मम्मी के पास। गरम गरम सा ये नाश्ता मैंने शुरू कर दिया है बिस्मिल्लाह करके और ये 2 कप चाय है मैंने मंगवाई। मैंने कहा मुझे चाय ज़्यादा ला के दे, सुबह के टाइम मैं 3 बार चाय पीती हूँ, अभी सर में दर्द हो रहा है। हमने ये नाश्ता करिए और उतनी देर में जाइए हमारे कपड़े वगैरह निकाल रहे हैं। मैंने अपने निकाल लिए, ये रहे। और शाजिया तुम कौन सा पहनोगी? मैं अभी निकालूंगी, आप बच्चों में चाय। बच्चों को निकालना, अब बच्चों के कौन? ये देखिए मैं सारे पैक करके इस तरह से मैं रखती हूँ। तो हम सबके कपड़े जो हैं वो आज के पहनने के निकल चुके हैं। ये रहे शाजिया की ड्रेस, ये अब्दुल्ला और मोहम्मद की पैंट्स हैं, ये मेरी शर्ट है, ये मेरी पैंट है और ये अब्दुल्ला और मोहम्मद के टॉप हैं शर्ट्स। तो बस अभी तैयारी कर रहे हैं और निकल रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, पूरे रास्ते मैं इन सब बाप बेटों को माशाल्लाह से खिलाती भी आई, नहीं फिर मैं अपने मुंह में डालती थी इंसाफ के साथ, बल्कि मैंने कम खाए होंगे इनको मैंने ज्यादा 4-4 भी छिलके एक साथ खिलाई। और ये साहब रात को भी अकेले खा रहे थे और ये अभी भी अकेले खा रहे। एक दाना मजाल जो बच्चों के और मेरे मुँह में डालो, कोई मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत कोई नहीं है। ये देख रहे मोहब्बत वो होती है कि जो दूसरे का भी पेट भरे। तो ये बस आपने मुझे मूंगफली नहीं खिलाई, इसका मतलब है आपको मुझे नहीं, आपने मुझे मूंगफली नहीं खिलाई, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है और मैं अब आप पे केस करूंगी। बस बच्चों देख लिया, माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, बच्चों को फिक्र ही नहीं है थे माँ पे से लड़ाई। ये देखे लड़ झगड़ के आखिरी दाना मैंने मियाँ से लिया जी। हम लोग रेडी हो चुके हैं, शाजिया बस बिल्कुल फाइनल टचेस चल रहे हैं शाजिया के। ये वाले 550 के हैं अब्दुल्ला वाले, ये जो है शाजिया ने जब पॉलिश किए तो इनकी शक्ल ही डिफरेंट निकल आई, यही तीनों की। ये मोहम्मद के शूज़ हैं जो कि जाहिर है अगर स्नो होगी आगे कहीं या ठंड होगी तो उसमें ये हमें कवर करेंगे। और ये रहे शाजिया के,
कैसे लग रहे हैं ये 500 के मोहम्मद के और 500 के शादी के? मैं आपको बताऊं, इतने कंफर्टेबल है ना पहन के, इतना सुकून मिल रहा है, गर्माहट मिल रही है, जैसे यहाँ पे इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है। हाँ जी, तो हमारी मैडम भी तैयार हो चुकी है और ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आवाज रखे और कामयाब रखे। आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, कल का इंट्रो मैंने इस तरह से नहीं दिया था, जिसके लिए कि माजरत। अभी फिलहाल हम मुल्तान होटल से निकल रहे हैं, जेल जा रहे हैं। ये मेरे साथ लड़ाई कर रही है इस वक्त, मैं रास्ते में आई जा रहे हैं, फिर कहेंगे टकराती है मुझसे बार बार। और ये इस वक्त फड्डे का प्रोग्राम बना हुआ है इनका पूरा। मैंने कहा है जब एक लेडी तैयार हो रही हो, मतलब लड़की खातून खातून तैयार हो रही हो, तो उसको ना तो उसको तंग करना चाहिए, ना उससे कोई सवाल करना चाहिए, उसे बस टाइम देना चाहिए, वो तैयार हो जाए, उसके बाद फिर आप अपना जो भी मसला है वो उसके आगे रखें। और अभी मैंने इंट्रो मैंने दिया, ठीक है, और कहते हैं पूरा इंट्रो लेने के बाद, बात करने के बाद, कि इसमें लाइट का मसला है। हेलो, ड्राइवर तो पहले से मौजूद है यहाँ पे गाड़ी में, मैं बैठने लगा था, दिखा दिया सुबह। अभी लाहौर जाके सफाई करवानी है गाड़ी। जी मैंने सुबह बता दिया, बहुत गंदी हो रही है। मैंने कहा अभी ना साफ करवाए, फिर गंदी हो जाएगी मोटरवे पे, क्योंकि मक्खियाँ मच्छर आके टकराते हैं, तो लाहौर जाके इसकी सफाई करवा। चलिए आज आप लोग बैठे हुए भाई, हमें घर जाना है वापस। भाई साहब अभी घर जाना है, आज की अब्दुल्ला की इतनी ड्राइविंग काफी है, फिर इंशाल्लाह जो है वो बाद में करेंगे। चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुभानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलो जी चलते हैं, मैंने पढ़ दी। ले जी मुल्तान देखिए आप लोग, और मेरे बेटे का फर्स्ट व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। शाजिया फैमिली प्लस पे वो व्लॉगिंग करेंगे जितना मैक्सिमम हो सका, क्योंकि वो पढ़ते भी हैं साथ साथ, और मैंने उनसे ये कहा है कि पहले आपकी एजुकेशन उसके बाद और चीज़ें। लेकिन काफ़ी अरसे से उसको शौक था, और ये गिर गया तो काफ़ी अरसे से उसको शौक था, लिहाजा वो अब देखते हैं कि कैसा करता है काम। मेरे बेटे को सपोर्ट कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। तो ये बस ट्रेन लेके हम आते हैं, क्योंकि चेज वैल्यू गुजर है अभी भी। तेरी झलक शर्फी शिवाने नाम को तो बरसी। हम चेज वैल्यू पहुंच गए और ये डरिया नीचे पार्किंग में ले जा रहे हैं। अब्दुल्ला ने ये वाली बेल्ट ली है, इसकी मम्मी की चॉइस की है, और इसका साइज जो है वो इन्होंने अपनी वेस्ट के हिसाब से सही करवा लिया है। ओ माशाल्लाह हीरो है भाई, माशाल्लाह, देखा कितना हीरो बच्चा मेरा। अच्छा जी भैया, उससे मैंने डन कर लिया है, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार साहब से मशवरा लेना ना सौ का घाटा है, उनको हर चीज़ बताइए। मैंने फिर भी वो ना शो चंचल कलर ले रहे थे, मुझे पता भाभी वो पसंद नहीं करेंगी। तो ये है कुछ लुक इसका रेडी होने के बाद, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा दुपट्टा इन्होंने इसमें दूसरा लगाया हुआ है, दुपट्टा जो है एक्चुअली वो ये है इसी कपड़े के साथ का। चलते हैं, यहाँ शॉपिंग हो रही है जी। ज्वेलरी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या ले रहे हो? नहीं, वो ले लिया कैचर? कैचर कुछ इतना पास से मिला, बस ऐसे ही ले लिया मैंने। ये दो तीन चीज़ें ले ली। व्यूअर्स ये देखिए, हम सिर्फ एक बेल्ट लेने आए थे, एक बेल्ट लेने आए थे सिर्फ अब्दुल्ला की, और 4000 रुपये का बिल बन गया। 4000 का ना का फोल्डर में एक्सपोर्ट में होगी ना, वही तो जाती है, प्रोजेक्ट में नहीं आती, प्रोजेक्ट में तो वो होते हैं जी। हम लोग यहाँ पर आकर रुके हैं, गुजरते गुजरते अचानक मेरा दिल चाह गाजर का जूस पीने के लिए, तो अब्दुल्ला पियेंगे मौसम्मी का जूस और मैं पीऊँगा गाजर का जूस, और मोहम्मद और शाजिया कुछ नहीं पी रहे, तो शाजिया एडिटिंग कर रही है इस वक्त। मेरा गाजर का जूस आ गया और अब्दुल्ला का मौसम्मी का जूस। अब्दुल्ला कैसा है? बेहतरीन, मेरे वाला भी बेहतरीन। मैं गाजर का जूस का असल में शिदाई में जहाँ की नज़र आता है मैं पी लेता हूँ, तो इसलिए Thank you.
खुदा हाफिज मुल्तान टूवर्ड्स लाहौर। फाइनली तीसरा पेट्रोल पंप है पीएसओ का, जहाँ पे हम आके रुके हैं और यहाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे और टैंक को फुल करवाएंगे। जी जीरो हो गया। ठीक है जी, तो तकरीबन मेरा ख्याल है 10-12 किलोमीटर के आगे मोटरवे स्टार्ट हो जाएगा। 35-95 लीटर जो है वो डलाए, तकरीबन 36 लीटर पेट्रोल। ये देखें जी, नेशनल हाईवे 5 टूवर्ड्स लाहौर, आगे थोड़ा सा तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर के बाद जो है मोटरवे आ जाएगा और हम लोग मोटरवे पे चले जाएंगे। यहाँ पे आके हमने गाड़ी को रोका है, बड़ी खूबसूरत सी क्योंकि ये जगह है, यहाँ पे थंबनेल भी बनाते हैं आज वाले व्लॉग का और यहाँ पे कुछ तस्वीरें खींचेंगे। अगर वहाँ से आना तो वहाँ से आ जाए। हाँ कर दिए। तो देखें ज़रा खूबसूरती, इंजॉय करें पंजाब की फ्रेशनेस। और पंजाब 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 है जी, हर एक हमारी धरती के अंदर जितने रंग हैं, बलूचिस्तान का एक डिफरेंट रंग है, सिंध का एक अलग रंग है, पंजाब में ये ग्रीनरी और ये हैं, और फिर केपीके देख लें तो वो पहाड़ और खूबसूरत बहुत प्यारी प्यारी सी मतलब सीनरीज है। नज़र आ रहा होगा नज़ारा, बहुत हसीन लग रहा है, इतनी तबीयत फ्रेश हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मेरा तो ख्याल है हमें कहीं घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं, हम खेतों खलिहानों की वीडियो बना बना के डालते। यकीनन आप लोगों की भी तबीयत घर बैठ के फ्रेश हो रही होगी, बहुत से लोगों का दिल चाह रहा होगा कि काश हम भी वहाँ होते तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी लेके आए, नहीं तो आप हमारे साथ हमारे दिलों में हैं ही। अच्छा ये मुझे गोभी का लग रहा है जो काश सब कुछ, या ये भी पता नहीं क्या चीज़ है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये सब जो बड़ी बड़ी सरसों हो जाते हैं जिनके फूल निकल आते हैं, ये जानबूझकर छोड़ी जाती है क्योंकि फूल के बाद फिर इसमें बीज बनता है जिसका कि सरसों का तेल ये निकालते हैं और बहुत काम आता है। और फिर जो वो तेल के बाद जो चीज़ बचती है वो फिर गायों भैंसों के खिलाने के काम आता है, जिसे पता नहीं क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खल, खल बनोला जो होती है। अच्छा ये भी देखिए इन्होंने छोड़ा हुआ, ये भी इस तरह से बीज के लिए ही छोड़ा है। बाकी काफ़ी जगह पे जो है ना वो गंदम आई थिंक कहते हैं इसको, वो बीजी भी है इन्होंने क्योंकि चावल तो पास होकर ख़त्म हो जाते हैं इसका। बाकी वो सामने गन्ना नज़र आ रहा है आपको, तो थोड़ा दूर है, लेट हो जाएंगे नहीं तो फिर आगे भी आपको चल के दिखाते हैं। हो सकता है आगे पंजाब में और भी चीज़ें आए, पीछे पालक भी लगी देखी थी लेकिन मैं उसको एडिट कर रही थी, जस्ट मेरी नज़र पड़ी तो गुजर गया। और बच्चे खुश हैं यहाँ पे, ये मेरे बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं, खुश हो गए माशाल्लाह। बच्चों को खुली जगह नहीं मिलती ना, तो मुझे इनको खुश देख के बहुत खुशी होती है जब मेरे बच्चे खुश होते हैं, तो डेफिनेटली सारे माँ बाप को होती है, लेकिन इस तरह से खुली जगह देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। ये जुल्फिकार साहब गंदम लगी हुई है ना, ये सारी गंदम लग रही है ना, सारी गंदम लगी हुई है। हम लोग ना वहाँ पे एक थंबनेल की चारों की सारी गन्ना लगी हुई। हाँ ये करीब करके दिखा रहा हूँ जी आपको, दिस इज कॉल्ड गन्ना कमाद। ये देखें ये कमाद की फसल है, उसके साथ में आपको शाजिया ने बता दिया सरसों और यहाँ पे गंदम। ये रही हमारी गाड़ी और ये रहे अब्दुल्ला और ये रही मेरी फैमिली। तो जा रहे हैं वापस गाड़ी में और आगे का सफ़र अपना जारी रखते हैं इंशाल्लाह टूवर्ड्स लाहौर।
तो जी मुल्तान का जो मोटरवे का इंटरचेंज है वो आ चुका हुआ है। सामने अगर आप पुल नज़र आ रहा है रोड के ऊपर, तो ये मोटरवे जा रही है और हम लोग यहाँ से मोटरवे पे इंशाल्लाह एंटर हो जाएंगे। ये वाली साइड से एम टैग है बेटा लगा हुआ है। इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर एग्जिट होना है, उधर पैसे देने हैं। उधर है, इधर आपने इधर। अच्छा ठीक है, कैश देना पड़ेगा वहाँ पे? यस सर। क्या कह रहे? यहाँ पे एम टैग का सिस्टम नहीं है, जहाँ एग्जिट होना है आपने वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे कैश। ये क्या बात है? अब यहाँ पे नहीं लगा हुआ इस इंटरचेंज के ऊपर एम टैग का सिस्टम नहीं लगा हुआ, तो इसकी एंट्री कंफर्म नहीं होती ना। एंट्री कंफर्म होगी तो एग्जिट चलेगी ना। इसे बाहर निकल के वापस अंदर आ जाते। पूरे 4:15 हो रहे हैं और हम लोग लाहौर की तरफ मोटरवे के ऊपर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो चलें। ये जी यहाँ पे आप देख रहे हैं मोटरवे जो है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो रहा है। एक जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है और एक राइट साइड पे। हम राइट साइड पे चले गए क्योंकि अगर हमें फैसलाबाद या इस्लामाबाद की तरफ जाना होता डायरेक्ट, तो हम लोग जाते लेफ्ट साइड पे। ये M3 पे हम आ गए हैं और वो M4 हो गया है। पीछे से जहाँ से हम आ रहे हैं मुल्तान से, वो M5 था। वहाँ पे जहाँ से हम एंटर हुए थे वहाँ पे वन टैग नहीं चल रहा था, इसलिए यहाँ पे से हमें कैश पेमेंट देनी पड़ेगी। कितने हुए टोटल? 80 रुपये। और आगे जो है वो देखें, एम टैग जो है यहाँ से काम करेगा, लिहाजा हमें यहाँ पे पर्ची लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम जा रहे हैं लाहौर M3 मोटरवे पे। ये सर्विस एरिया आ रहा है, आगे चलते हैं, यहाँ पे रुक के थोड़ी देर के लिए चाय पीते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी हुई है एक अदर बस, और हम लगाएंगे गाड़ी यहाँ पर। अभी तो खैर यहाँ से पर्ची लेते हैं। मोटरवे M3 के ऊपर सर्विस एरिया के ऊपर आके हम लोग रुके हैं। अभी अभी बच्चे उतर गए हैं, शाजिया क्योंकि एडिटिंग कर रही है, तो वो जो भी उसके हाथ का काम है वो ख़त्म करके अभी उतर जाएगी। गाड़ी ये रही, यहाँ से पियेंगे अच्छे से चाय। और हमारा इरादा ये है कि कुछ ड्रोन के शॉट्स लें थोड़े से, पीछे जा कर उधर से लेते हैं। मेरा ख्याल है वो जो साइड है खेत वेत भी आ जाएंगे, और साथ में मोटरवे भी ले लेंगे। अंकल जो है वो गाड़ी का विंडशील्ड साफ़ कर रहे हैं, ये देखें अच्छे तरीके से ब्रश के साथ इन्होंने रगड़ गए उसको, किया है साफ। तो क्योंकि वो मोटरवे पे मच्छर वच्छर काफ़ी होते हैं ना, वो जब विंडशील्ड पे चिपक जाते हैं आके, तो वो उनको साफ़ करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस सर्विस एरिया के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे हाफिज़ का सोन हलवा भी है, और इसके अलावा यहाँ पर मियाँ जी शिनवारी रेस्टोरेंट भी है, यानी कि कढ़ाई भी मिल सकती है। उसके अलावा है जनाब दुकान, यानी कि एक सुपर मार्केट छोटी सी, और ये सामने कुछ बारबेक्यू वगैरह बन रहा है और चाय भी बन रही है। मियाँ जी स्पेशल दाल मखनी लिखा हुआ है, और बाकी ये साथ में टॉयलेट्स हैं। ये जेंट्स टॉयलेट है, वो शायद पीछे लेडीज़ टॉयलेट होगा, और बस ये सब कुछ है। और ये एग्जैक्टली सेम जो है मोटरवे के ऊपर जो भी सर्विस एरियाज़ हैं जो भी नज़र आते हैं आपको, तो वो जो एक साइड पे होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है।
बच्चों के बर्गर आ गए और साथ में क्या है, ये केचप है जी। बेटा आप क्या कह रहे हैं? ओके बेटा। अब्दुल्ला बैठे हैं और मम्मी ने क्या मंगवाए? पकोड़े ना, पकोड़े। और शाजिया के लिए और मेरे लिए जो है ना पकोड़े आए हैं, वेजिटेबल पकोड़ास। पकोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, मज़ेदार। और साथ में है चाय, मग बहुत बड़े हैं, चाय बहुत थोड़ी है इसके अंदर, बट अच्छी लग रही है। तो इस माहौल के अंदर देख रहे हैं आप, माहौल देख रहे हैं इस वक्त, सनसेट तकरीबन हो चुका और खूबसूरत खूबसूरत मंजर है इस वक्त। तो शाजिया ये बैठी हुई है, ये कर रही है इस वक्त, क्या कर रही है? ये कर रही है एडिटिंग, क्योंकि टाइम कम है, इसको वीडियो डालनी है, ज़ाहिर आप लोगों को वीडियो भी पहुँचानी है। तो पकौड़े लेके मैं वहीं चला जाता हूँ और हम दोनों बैठ के यहाँ पे खा लेते हैं, बच्चे वहाँ बैठे हुए ऑलरेडी, मैं चाय भी लेकर आ रहा हूँ। ये क्या पांच ही हुए हैं अब्दुल्ला? ये को बाबा के। अच्छा लेकर आऊं? हाँ उनको दे दो। तो ये जी हमारी चाय जो है मेरी और शाजिया की, ये भी जा रही है। पकोड़े आपने देख लिया, ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमने लंच नहीं किया, ब्रेकफास्ट काफ़ी टाइट किया था तो भूख नहीं लगी लंच के टाइम, और अब रात का खाना ही खाएंगे, इसलिए ये पकोड़े जो है बड़ा ज़बरदस्त एक काम करेंगे हमारे लिए इस वक्त। क्यों जी? बेगम साहिबा, जबरदस्त मजेदार पकोड़े देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ताज़ा बना के दिए, मैंने तो कहा भी था कि वीडियो में आएंगे, लेकिन ये 350 की प्लेट है, अच्छी है। हाँ नहीं अच्छा है माशाल्लाह। बाबा के लिए मैंने चाय मंगवाई। हाँ वो अब्दुल्ला ने दे दी शायद उनको। दे दी चाय? हाँ अब्दुल्ला चाय दे दी बेटा उनको। वो कह रहे हैं बाद में पीऊंगा। अच्छा वो कह रहे हैं बाद में पी। चाय कहाँ है? ये रखिए बाबा चाय। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं बाद में। आप पकौड़े भी ले लीजिए, प्लेट पे हो ना पकोड़े, प्लेट है आओ ना पकोड़े ले लो बेटा, आप लोग भी बाबा को भी दे दो प्लेट ले आओ। इधर आ जाओ मामा, चाय लेके आ जाओ बेटा। बाबा चाचा पैसा भी लो, बाबा ये पकोड़े भी ले लो। चलो जी चाय पिए और पकोड़े खाए। बाबा पकोड़ों के साथ रायता भी आ गया है, वाह वाह वाह, अब और मज़ा आएगा पकोड़े गरम गरम खाने का। मैंने बेबी चिप्स लिए और अब्दुल्ला मोहम्मद ने ये लिया है चॉकलेट फ्लेवर, अब्दुल्ला ने कुछ नहीं लिया, और मैं दो कप चाय और ले रहा हूँ यहाँ से इलायची वाली। उसकी वजह ये है कि वो चाय बहुत कम थी, थी तो अच्छी लेकिन बहुत कम थी, तो मेरा दिल चाह रहा है मज़ीद पीने को। यहाँ रखें बेटा, चाय ले ली मैंने, और देखते हैं कि हमारी हीरोइन, ओ हीरोइन ऑलरेडी गाड़ी के पास खड़ी है, और हमने एक कप चाय और ले ली है। बैठ के चाय पी लेते थोड़ी देर, एक कप तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। चाबी अब्दुल्ला के पास है शायद, आ जाओ। एक वो थोड़ी थी, मज़ा नहीं आया था उसमें, मतलब चाय मज़े की थी लेकिन। हाँ ठीक है जी, तो चाय पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से बस। जनाब 5:32 का टाइम हो चला और हम लोग अब निकल चुके हैं यहाँ सर्विस एरिया से, जो भी एक्टिविटी थी आप लोगों ने देख ली, और अब हम लाहौर की तरफ नॉन स्टॉप इंशाल्लाह जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं है, बाकी अल्लाह जानता है, तो चल के लाहौर मुलाकात होती है। ठीक है जी इंशाल्लाह ताला। और कितना टाइम हम यहाँ पे रुके? मेरा ख्याल है घंटे से ज़्यादा ही रुक गए हम, तकरीबन 4:30 का टाइम था और 5:30 हो गए हैं, ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। एनीवे अब शाम होने लगी है और बहुत ही हसीन लगता है शाम का टाइम जब हो रहा होता है मोटरवे के ऊपर। जड़ा वाला सर्विस एरिया के ऊपर आके हम लोग अभी रुके यहाँ पे। हाँ जाओ, यहाँ पे हम लोग इमरजेंसी में रुके क्योंकि शाजिया को वॉशरूम जाना है। कुत्ते यहाँ पे थे, उनको भूख लगी हुई थी तो उनको कुछ लेके यहाँ से वो डाला है ताकि बेचारे खा लें, भूखे हैं बेचारे, क्या करें। शाबाश गुड बॉय, ये बहुत तेज है भाई, इसने अपना खा लिया हिस्सा, फिर उसके भी नहीं खाने दे रहा। तो ये हम लोगों ने जो है इनको कुछ चीज लेके डाल दी, चलो थोड़ा बहुत उनका आसरा हो गया, भूखे थे बेचारे। नगेट्स खाए हैं जी इन्होंने मजे से, बिस्किट लेके दें और क्या, चिकन है।
वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे लगाई हुई है। मजाल है कि जो सिग्नल्स आते हैं, शुक्र है कि अब्दुल्ला की वीडियो अपलोड हो गई, उसके बाद मेरी वाली को मैंने लगाया हुआ है और इतनी देर में सिर्फ 4 पॉइंट्स बने, इसके 4% हुए। देखिए जी किस कदर तेज़ कवर है और यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड जो है वो बिल्कुल स्लो हो गई है, सिफर हो गई है ना तकरीबन निगाह। हाँ ना, एकदम से बिल्कुल ब्लाइंड होते जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल कम, बहुत कम नजर आ रहे हैं। हाँ जी, देख रहे हैं आप भी हैज़र लाइट ऑन कर दें। ये देखें, ये आपने अपनी दोबारा से शदीद कोहरा आ गया है एकदम से। अपनी वीडियो दूसरे आईडी से लगाई, ठीक है आईडी से। कोहरा देखें कितना जबरदस्त ज्यादा हो गया है और हमें एहतियातन गाड़ी की स्पीड जो है वो कम करनी पड़ रही है और हैजर्ड लाइट्स हमने ऑन कर दी हैं ताकि पीछे आने वाली जो है गाड़ी उसको पता चल सके कि आगे। जब ज्यादा होता है कोहरा तो वो सारी गाड़ियां जो है वो सेकंड लाइन में आ जाती है। देखें जी ये हालात हैं इस वक्त मोटरवे के, धुंध और जो कोहरा सा है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, अच्छा खासा है, तो एहतियात लाजमी है। कहीं पे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, कहीं पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अचानक। और आपको बताने का मकसद ये है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां ज़ाहिर हो चुकी हैं या हो रही हैं, तो अगर आप लोगों को आना होगा तो एहतियात कीजिएगा इस चीज़ से कोहरे के अंदर जो है वो। हम क्या करते हैं एकदम से फास्ट लेन से थोड़ी सी स्लोअर लेन में आ जाते हैं और साथ में ही हैजर्ड लाइट ऑन कर देते हैं ताकि पीछे से आने वाली कोई भी गाड़ी अगर स्पीड में आ रही हो तो वो उसको कॉशन मिल जाए। तो ये एहतियात होती है, ये बेहतर होता है। और ख़ासतौर पर जैसे अगर आप हाईवे पे N5 पे थे, हम लोग एक दो साल पहले भी, बल्कि काफ़ी टाइम हो गया शायद 3 साल पहले हम लोग आए थे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो हम लोग को जो था वो किसी बस या बड़े ट्रॉलर के पीछे रहते थे। खास स्पेशली बस जो है वो बड़ी स्पीड में चल रही होती है और उसके पीछे पीछे हम लोग जा रहे थे फासला रख के, क्यों एक बार हमने कोशिश की उससे आगे निकलने की बस से, लेकिन जब जैसे ही हम आगे गए तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस का ड्राइवर क्योंकि ऊपर होकर बैठा होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो वो काफ़ी स्पीड में था तो उसकी आड़ में हम लोग चल रहे थे उसके पीछे पीछे, तो हमारा सफ़र बड़ा आरामदेह गुजर गया। तो जी हम लोग ठोकर न्यास बेग के ऊपर उतर गए हैं और अब यहाँ से हम लोग लाहौर शहर में यानी कि एंटर होंगे। राइट साइड पे आप देख रहे क्या है पता है, KFC और हार्डीज, और यहाँ पे पीछे थोड़ा सा मेट्रो कैश एंड कैरी भी है। बस यहाँ से एंटर होंगे और थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही जौहर टाउन स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। इस दफा टर्न आप देख के लीजिएगा वरना हम सीधा चले जाते हैं। ओके जी, उस पे नहर पे, नहर वाले पे, तो इंशाल्लाह चलते हैं जी। अल्लाह हाफिज, वेलकम टू लाहौर अगेन, वेलकम टू लाहौर। यस जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं, ये पार्क है लेफ्ट साइड पे, नहीं सॉरी राइट साइड, ये राइट साइड पे पार्क है और ये हम भाभी के बिल्कुल घर के पास पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मुल्तान से लेकर और लाहौर तक का सफ़र हमारा अच्छा लगा होगा। तो बस जी इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा मुल्तान टू लाहौर ट्रैवल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।